एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 3 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 22 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में हम सीखेंगे वर्णमाला को क्रमबद्ध लिख पाना स्वरों को जोड़ते हुए। यहाँ रिक्त स्थान भरिए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझा रखा है, सबसे पहले हमें स्वर दे रखे हैं जो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, ए आ ई ई ऊ री ए ऐ ओ औ। तो यहाँ नीचे व्यंजन दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है, प्रत्येक वर्ण जो है उसमें हमें स्वर लगा करके जो वर्ण है हमारा कंप्लीट करना है उसे। जैसे क में छोटे उ की मात्रा लगाकर शब्द क्या बनेगा, कु। इसी तरह से हम आगे करते हुए जाएंगे, जैसे क में आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा का, ई की मात्रा लगा देंगे छोटी ई की, बड़ी ई की, बड़ी ऊ की कु, री क्री, के कई, को कौ। ठीक है, इस तरह से हमें आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा लगा करके हमने क वर्ण को कंप्लीट किया है। इसी तरह से हमें नीचे भी सभी वर्णों को कंप्लीट करना है। जैसे खा बन जाएगा खा, खी खी, खू खू, खरी खे, खो खाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे, जैसे गा घी गी गु, छोटी ऊ की मात्रा इस साइड से रहती है, बड़ी ऊ की मात्रा इस साइड से रहती है, ग्री गे गई गो। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे घ को, घा घी घी घु घु घृ घे घई इसी तरह से हम आगे बनाएंगे, चा ची चू चू, यहाँ पे ची भी आएगा बड़ी की मात्रा में, फिर च्री बन जाएगा, चे चई चो चौ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है हमें इस वर्कशीट में। और लास्ट में जैसे ने ना नी नी नू नू नी ने नई नो और नौ। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, मात्राओं को जोड़ते हुए सभी वर्णों को कंप्लीट करना है। तो ये थी कक्षा 3 के विषय हिंदी के कार्यपत्रक 53, जो कि गृह कार्य के रूप में दी गई थी, का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे भी सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।